जी फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आई हेल्थी यूट्यूब चैनल में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसको यकीनन आप लोग पहचान गए होंगे, क्योंकि आपने इसको अपनी गली के बाहर, मोहल्ले में, पार्क में, सड़क किनारे इसको आपने आम देखा होगा। जी हाँ, इसको आम जबान में दूधी बूटी कहा जाता है। इसको दूधी बूटी इसलिए कहा जाता है कि अगर इसके पत्ते को तोड़ें उसमें से दूध निकलता है, इसकी टहनी को तोड़ें उसमें से भी दूध निकलता है। तो यही वजह है कि इसका नाम शायद इसी वजह से दूधी बूटी पड़ गया है। इसको मिल्क हेज भी कहते हैं, यूफोर्बिया हिरिटा इसका नाम है। और ये आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब कॉन्टिनेंट ममालिक में ये आम मिलेगी। वैसे तो आपने यूट्यूब पे इसके बहुत सी वीडियोस देखे होंगे जिनमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको जिसका फ़ायदा बताने जा रहा हूँ वो है प्लेलेट्स बूस्ट करने में, कि ये किस तरह मददगार साबित होता है ये पौधा, ये छोटा सा पौधा, आम सा मिलने वाला पौधा, कि डेंगी बुखार, चिकनगुनिया, हड्डी तोड़ बुखार, मलेरिया, कोई भी ऐसा बुखार या बीमारी जिसमें प्लेलेट्स ड्रॉप हो जाती हूँ, आप ये दूधी बूटी को इस्तेमाल करके प्लेलेट्स को फौरी तौर पे बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो कैनिक प्लेलेट्स में जो सबसे पहले इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ वो फिलिपीन में शुरू हुआ। फिलिपीन में इसको कावा कावा कहा जाता है, इस पौधे को इसकी चाय बना के पीते हैं वो लोग जिनको डेंगू फीवर की वजह से, जिनके प्लेलेट्स कम हो गए हों या किसी भी बीमारी की वजह से कम हो गए हों। आप लोग इसको ITP में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, या कोई भी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसमें प्लेलेट्स कम हो रहे हों आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। वैसे तो ये सदाबहार पौधा है, लेकिन अगर आपको ये किसी वजह से ना मिल रहा हो तो आप होम्योपैथिक में इसका मदर टंक्चर यूफोर्बिया हिरिटा के नाम से जो मिल जाता है, आम मिल जाता है, आप उसको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहायत आसान है। या तो आप इसके ताज़ा पत्तों का रस निकाल लें, इसको दोरी कुंडी में अच्छी तरह इसको कूट लें, या ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका रस निकाल लें आप, मुझे और मरीज़ को एक चम्मच पिलाएं दिन में एक से दो दफ़ा, और जब तक उसके प्लेलेट्स बढ़ नहीं जाते तब तक उतने दिन तक उसको ये देते रहें। इसके अलावा आप इसको, इसके पत्ते हैं वो छांव में सुखा भी सकते हैं, ताकि जिस मौसम में आपको ये बूटी ना मिले आप इसकी चाय बना के मरीज़ को पिलाएं या पिएं, खुद पिएं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जैसे प्लेलेट्स को नहीं, आम बुखारों में भी ये बड़े कारामद काम आने वाला पौधा है। आप इसको किसी भी मौसम में, किसी भी ऐसी बीमारी में जिसमें प्लेलेट्स कम होती हों, आप इसको इस्तेमाल करवा के हैरत अंगेज़ के जो नतज हैं आप फिल फोर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस पौधे की पहचान हो गई होगी, एक आम मिलने वाला पौधा है। देख लें इसको ध्यान से, इसके जो पत्ते हैं इसके किनारों पे हल्के हल्के से वो कट हैं, इसके सबसे बड़ी निशानी के अगर इसको तोड़ दिया जाए उसमें से दूर निकलता है। और ये आपको अमूमन मिलेगा दीवारों के साथ साथ,